परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं और उसी सोच और विचारधारा के तहत आज दिल्ली का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है आपको एक बड़ी सौगात देने के लिए। सम्मान के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वह आपके बीच में आए और अपने विचार रखें। भाई अरविंद केजरीवाल, मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया, मैं आज यहां इसलिए आया हूं पूरे मामले को बहुत अच्छी तरह समझ के सारी कैलकुलेशन करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारे पूरे देश के अंदर सरकारी कर्मचारी बहन भाइयों के साथ ये न्यू पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा छलावा है, घोटाला है, बहुत बड़ा अन्याय है। और आज मैं रामलीला मैदान में दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए भी आपके बीच में इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए ये कहने के लिए आया हूं कि आज से इस आंदोलन में आप मुझे अपना छोटा भाई मान के समझिए। इस आंदोलन के जरिए कंधे से कंधा मिला के मैं आपके साथ चलूंगा, जितना मेरे बस में है मुख्यमंत्री होते हुए भी और नागरिक होते हुए जितना मेरे बस में है वो मैं तुरंत करूंगा और जितना बस में नहीं है वो इन लोगों से करवा के रहेंगे आपके साथ में। क्रांतिकारी काम किए, आज दिल्ली के शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर आप राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप देश सुधारना चाहते हैं वाकई, तो आप इन लोगों को दुखी करके नहीं कर सकते। ये काम आप सरकारी कर्मचारियों को दुखी करके कभी राष्ट्र निर्माण का काम नहीं कर सकते। आप सरकारी कर्मचारियों को दुखी करके कभी भी इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, कभी विकास नहीं कर सकते। जो भी हमारा एजेंडा है, देश का एजेंडा है, समाज का एजेंडा है, वो एजेंडा सरकारी कर्मचारियों को ही लागू करना है। अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे दुखी रहेंगे, अगर सरकारी कर्मचारियों के घर के अंदर खुशी नहीं होगी तो कोई सरकार काम नहीं कर सकती। दोस्तों ये मेरा फर्ज है, पहला फर्ज है। मैंने अभी तक दिल्ली में भी जब सरकारी कर्मचारियों को संबोधन किया मैंने एक ही बात कही कि आपको खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे दिल्ली वालों